बहुत बढ़िया, टाइम वेस्ट हो रहा है सर। वो जो नीट का रिजल्ट आया है, तो नीट का रिजल्ट आया तो उसमें एक बच्चे का इंटरव्यू देख रहा था जिसके 720 में से 710 मार्क्स आए हैं। तो उस बच्चे ने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैं एक टाइम पर 5-5, 6-6 घंटे अपने दिन में क्या पबजी, क्लैश ऑफ क्लैंस जो आजकल मोबाइल की गेम है, ये चलते हैं, इन पे अपना टाइम वेस्ट करता था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो टॉपर है 720 में से 710 नंबर लाने, यार डबल डिजिट रैंक लाना, ये कोई आसान बात नहीं है। तो आप सोचो कि उस इंसान ने अपने आप को कितना मॉडिफाई किया होगा, क्योंकि 5-5, 6-6 या 7-7 घंटे अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और उससे आपकी जर्नी जाती है डायरेक्टली डबल डिजिट रैंक पर, तो सोचो उसने क्या क्या सेक्रीफाइस किया होगा। और सेक्रीफाइस के नाम पे भैया बहुत दम लगता है, सब कुछ त्याग दिया। बहुत अच्छी बात है अगर आप इन सब आदतों से दूर हैं, बट अगर किसी वजह से आप इन आदतों से ग्रस्त हैं, मतलब इन आदतों ने आपको घेर रखा है, प्लीज इनको त्याग दीजिए। कि जिनने कमाल किया है उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जर्नी में सेक्रीफाइस किया है, समझा, त्याग किया है, अपनी इच्छाओं को मारा है। तो आप इन सब स्टोरीज से इंस्पायर हो सकते हैं। हम जनरली, मेरा भी थॉट प्रोसेस यही है कि भैया जिसकी डबल डिजिट रैंक आती होगी यार, शायद वो तो बेचारा मतलब एकदम सीरियसली होकर दिन में 8 से लेकर 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे पढ़ता ही होगा, उसको तो ये पबजी का नाम भी नहीं पता होगा। ऐसा नहीं है, टाइम इवॉल्व हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को पता है कि ये क्या है, बट फिर भी अपने आप से उनको दूरी मेंटेन कर रहे हैं, उनको अपने आप से दूर रख रहे हैं। तो तमाम डिस्ट्रेक्शंस मार्केट में चलती रहेंगी, इनफैक्ट टाइम के साथ साथ और भी आएंगी, आपको समझदार व्यक्ति की तरह अपने आप को इनसे दूर रखना है। और मैं सिर्फ बोल रहा हूँ दूर रखना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिंदगी में कभी पबजी मत खेलना। एक बार आप IIT दिल्ली में चले जाओ, आप IIT बॉम्बे में चले जाओ, उसका सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है, शाम को या कॉलेज के समय भी जब भी आपको टाइम मिलेगा सर्वर बनेंगे, ठीक है, हॉस्टल का सर्वर होगा, वहाँ पे तमाम लोग यही खेल रहे होंगे, सर्वर ज्वाइन करो, खेलो उनके साथ मिलके। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप खेलो ही मत, बट एक टाइम के बाद में खेल लेना है, कोई अभी के लिए त्याग दे, छोड़ दे अगर ऐसा कुछ करता है। मैंने एग्जाम्पल इन गेम्स का लिया है, बट सभी लोग अपनी अपनी डिस्ट्रेक्शन जानते हैं, उनको छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ, एक मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको एक स्ट्रांग डिसीजन लेना होता है, और वो जितनी जल्दी लोगे उतना कम आपको पेन होगा कि हाँ मुझे ये सब नहीं करना, मुझे IIT की ही प्रिपरेशन करनी है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। जो भी प्रिपरेशन करके निकले हैं ना लड़के या लड़कियां जिन्होंने फोड़ा है, अल्टीमेटली वो थे एक नॉर्मल ही इंसान। ज्यादा ज्यादा आप टॉप 50 हटा दो, बट टॉप 50 में भी ऐसे लोग पहुंचे हैं जिन्होंने मतलब एवरेज थे, बट मेहनत से अपने आप को बनाया, और हार्डवर्क करने वाले लोगों ने जो टैलेंटेड लोग थे उनको बीट किया, अपनी जगह ऊपर बना ली। और आपके पैरेलल आप इमेजिन कर सकते हो कितने बच्चे एग्जाम देते हैं और इस टाइम पे उनके डेडिकेशन लेवल क्या होगा। एक होगा जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, एक होगा जो क्लास के नोट्स देख लेता है, क्लास अटेंड कर लेता है बस थोड़ा थोड़ा, एक होगा जो क्लास के नोट्स भी लिखता है, क्लास भी अटेंड कर रहा है, DPP भी सॉल्व कर रहा है, मॉड्यूल भी सॉल्व कर रहा है, उसके पास टाइम फिर भी बच रहा है तो वो रंग बिरंगी किताबें भी सॉल्व कर रहा है। तो आपका हर वैरायटी ऑफ बच्चे से कंपटीशन है। तो आप अपने आप को कैटेगराइज करो कि मैं इनसे तो ऊपर ही हूँ, अब मुझे और ऊपर जाना है तो मुझे DPP और मॉड्यूल भी करना पड़ेगा, मुझे और जाना है तो मुझे रिवीजन भी करनी पड़ेगी, मुझे टेस्ट भी देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे आप बढ़ते जाइए, अपना लेवल बढ़ाते जाइए। मेंस के सारे क्वेश्चन मैं नोट्स में दिखा दूंगा, और जेईई एडवांस वाले